अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों ने इन गर्मियों में दुनिया के कई क्षेत्रों की यात्रा की है। मिडिल ईस्ट से लेकर पूर्वी एशिया तक अमेरिकियों की यात्राएं गरीब देशों के लिए सैकड़ों अरबों डॉलर की प्रतिबद्धता का प्रतीक थी। इससे कहीं ज्यादा इन्हें चीन के साथ एक प्रतिस्पर्धा के तौर पर भी देखा जा रहा है। लगभग एक दशक से चीन ने अपने बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट में अरबों डॉलर खर्च किए हैं। अपने इस अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट के तहत चीन पापुआ न्यू गिनी से केनिया तक हाईवे, श्रीलंका से पश्चिमी अफ्रीका तक बंदरगाह और लैटिन अमेरिका से दक्षिण पूर्व एशिया तक बिजली और टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछा रहा है। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से मुकाबला करने के लिए अब अमेरिका भी ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में अपनी भूमिका को बढ़ाना चाहता है। जून में बाइडेन और G7 के नेताओं ने देशों के बीच इंफ्रास्ट्रक्चर की खाई को पाटने के लिए एक गेम चेंजिंग प्रोजेक्ट में $600 बिलियन के निवेश की घोषणा की थी। इसमें $200 बिलियन का निवेश अकेले अमेरिका कर रहा है। इस महीने अमेरिका की उप विदेश मंत्री वेंडी आर शर्मन ने दक्षिण प्रशांत क्षेत्र का दौरा किया और द्वीपीय देशों के लिए समर्थन बढ़ाने के लिए एक नई साझेदारी को बढ़ावा दिया। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अफ्रीका के लिए एक प्लान की घोषणा की है, जिसे सब सहारा अफ्रीकी स्ट्रेटेजी का नाम दिया गया है। एक ओर जब अमेरिका चीन को हराने के लिए दुनिया के अलग अलग कोनों में पैसा झोंकने को तैयार है, तब चीन का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट खुद कई तरह की चुनौतियों से जूझ रहा है। दुनिया के कई देशों में प्रभावी साबित होने के बाद भी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अब चीन के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। फंड की कमी और राजनीतिक उठापटक के चलते कई प्रोजेक्ट अधर में लटके हुए हैं। चीन के प्रोजेक्ट को लेकर कई देशों में चिंता भी देखी जा रही है। कुछ देश कर्ज के बोझ से परेशान हैं, तो कुछ चीन के बढ़ते प्रभाव से। कई जगहों पर इस तरह के आरोप भी लग रहे हैं कि बेल्ट एंड रोड एक कर्ज का जाल है, जिसे लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर कब्जा करने के लिए बनाया गया है। इन आरोपों की वजह से इनिशिएटिव की छवि को गहरा नुकसान पहुंचा है। विश्लेषकों का कहना है कि संभवतः घरेलू आर्थिक चुनौतियों और दुनिया भर में बदल रही वित्तीय परिस्थितियों के चलते चीन के ऋणदाता पॉलिसी मेकर्स इसमें पैसा लगाने से कतरा रहे हैं। अमेरिका के लिए यह सबसे अच्छा मौका है। चीन का प्रोजेक्ट कमजोर पड़ रहा है और इसी समय वह आगे आकर इच्छुक साझेदारों के साथ दुनिया भर में निर्माण का जाल बिछा सकता है। लेकिन अमेरिका के लिए यह आसान नहीं होगा। चाहे अरबों डॉलर का निवेश जुटाना हो या इंफ्रास्ट्रक्चर का संचालन करना, चीन दोनों ही क्षेत्रों में माहिर है।